डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी OSDMA और लुंगलेई फायर स्टेशन यानी LFS मिजोरम को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चयनित किया गया है। इन्हें वर्ष 2023 के लिए आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु संस्थागत श्रेणी में चुना गया है। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। इसके तहत चयनित संस्था को 51 लाख नकद व एक प्रमाण पत्र तथा व्यक्तिगत मामले में 5 लाख नकद व एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। चलिए जान लेते हैं ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी OSDMA के बारे में। इसे ओडिशा में आई भारी चक्रवात त्रासदी के बाद 1999 में स्थापित किया गया था। इसने कई पहलुओं की शुरुआत की है, जैसे ओडिशा आपदा मोचन कार्यबल यानी ODRAF, मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सर्विस फ्रेमवर्क, सतर्क यानी सिस्टम फॉर असेसिंग ट्रैकिंग एंड अलर्टिंग डिजास्टर रिस्क इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन डायनामिक रिस्क नॉलेज। वहीं लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम की बात करें तो इसने 24 अप्रैल 2021 को रिपोर्ट की गई एक बड़े पैमाने पर जंगल की आग का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया था। आग लैंगलुई शहर से घिरे निर्जन वन क्षेत्रों में थी जो 10 से अधिक ग्राम परिषद क्षेत्रों में फैल गई थी। लुंगलेई फायर स्टेशन पर तैनात कर्मियों ने स्थानीय नागरिकों को प्रशिक्षण दिया और उनकी सहायता से 32 घंटे से अधिक समय तक लगातार काम किया। कर्मचारियों की बहादुरी, साहस एवं त्वरित प्रयासों के कारण जानमाल की कोई हानि नहीं हुई व आग को राज्य के अन्य हिस्सों में फैलने से रोक दिया गया।